ब्रॉट यू बाय मेघदूत मधुशून्य। थक गए? मुझे डायबिटीज है। ये लो मेघदूत मधुशून्य, एनर्जेटिक रखता है। अरे वाह, मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बनाओ। यूपी की राजनीति की धुरी बन चुके एक नेता ने कहा कि राजनेता दुई मुहा सांप होते हैं। आज उन्हीं नेता की कथित तौर पर 13वीं मना दी गई। नहीं समझे तो ये तस्वीरें देख लीजिए। ऊपर लिखा है कि इस दुनिया में नहीं रहे मंगरू चाचा, और नीचे लगी हुई है सुभाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की तस्वीरें, जिस पर गेंदे के फूल की माला चढ़ाकर उनकी 13वीं मना दी गई। लोग आ रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं खुद सुन लीजिए। तस्वीरों में दिख रहे लोग सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के कार्यकर्ता बताए गए हैं, जिन्होंने मऊ के हिंदी भवन में ओम प्रकाश राजभर की श्रद्धांजलि सभा का इसलिए आयोजन किया क्योंकि जिस भाजपा को राजभर पानी पी पी कर कोसते थे, आज उसी पार्टी के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया है। उस नाय पर जो सवार होगा डूब के मर जाएगा, तो ये बेचारे 18 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के नाय पर सवार हुए और ब्रह्मपुत्र नदी में इनकी नाय डूब गई और बेचारे उसी में जीव निकाल करके मर गए। इसलिए मऊ जनपद के समस्त जिला पद के पदाधिकारी इनका जो है आज जो है श्रद्धांजलि सभा कर रहे हैं, और इसके साथ साथ यहाँ तेरही में भोजन का भी व्यवस्था किया गया है। मैं अपने साथियों से निवेदन करूंगा कि सब लोग भोजन करके यहाँ से जाइएगा। जय सुहलदेव, सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बता दें कि ये पूरा आयोजन ओम प्रकाश राजभर के भाजपा ज्वाइन करने के करीब 13 दिन का बाद का बताया गया है। पार्टी के जिलाध्यक्ष ने बताया कि ओम प्रकाश राजभर कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी डूबती हुई नैया है और इस पर जो सवार होगा वो डूब कर मर जाएगा। आज ओम प्रकाश राजभर भाजपा में शामिल होकर डूबती नैया पर सवार हो गए हैं और ब्रह्मपुत्र नदी में उनकी नाव पलट गई है, जिसमें उनकी मौत हो गई है। इसलिए हम लोग आज पूरे राजभर समाज के लोग उनकी 13वीं और श्राद्ध करा रहे हैं। पितृपक्ष में इनका पिंडदान भी किया जाएगा। देखिए, श्रद्धांजलि सभा हम लोग इसलिए कर रहे थे कि 27 अक्टूबर 2002 को बनारस के धरती सारनाथ में जो है सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी का स्थापना हुआ। तब से हमारे सुहलदेव राजभर समाज के लोग हर गांव में जा जा के अलग जगाया करते थे कि देखो भाई, हमारा एक नेता आया है, उसके साथ हम लोग रहेंगे तो हक अधिकार राजभर समाज को मिलेगा। मरे मंगरू उर्फ पलटू चाचा जो है कई साल से जो है राजभर को ठगने का काम किया और राजभर समाज से चंदा चुटुक्की लेकर के झंडा ढुआ करके आज जो है ओम प्रकाश राजभर राजभर समाज को 50 फुट नीचे गिराने का काम किए हैं। इसलिए ये अपने बयानों में बोला करते थे कि भारतीय जनता पार्टी के जो है प्रधानमंत्री जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, इनसे बड़ा झूठा कोई प्रदेश में बोलने वाला नहीं है। और अंत दाव में ये कहा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी की डूबती हुई नैया है, उस पर जो सवार होगा वो डूब के मर जाएगा। तो आज ओम प्रकाश राजभर राजभर समाज को बतावें कि आखिर में उस डूबती हुई नैया पर क्यों चढ़े। तो राजभर समाज के कार्यकर्ता, राजभर समाज जो है, जब उस नाय पर चढ़े हैं और ब्रह्मपुत्र नदी में इनकी नाय डूब के जब मरे हैं ये, तो आज पूरे राजभर समाज के लोग इनका तेरही और श्राद्ध करा रहे हैं, आप पितरपक्ष में इनका पिंडा भी पराएंगे। फिलहाल राजभर के भाजपा में शामिल होने और सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी द्वारा उनकी 13वीं करने पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मऊ से दुर्गा किंकर सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।